बहुत से लोगों ने मेरी तरह वेट किया होगा कि यार ऑनलाइन हम लोग परचेस करेंगे जब इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होगी, लेकिन मसला ये हुआ कि प्री बुकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। क्यों? 31st को लॉन्च होना था ये प्री बुकिंग एक्सपर्ट वेबसाइट है इनकी वहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 11 बजे का टाइम था, 11 से 1 बल्कि 1:30 बजे तक मैं देखता रहा वहाँ पर, जो मोबाइल है वो ऑनलाइन ही नहीं हुआ। तो ऑनलाइन का मतलब ये कि स्टॉक में ही नहीं आया। तो अभी भी मैं देख रहा था, अभी तक जो है वो स्टॉक में ही नहीं आया भाई। तो अभी भी लैपटॉप मेरे सामने है और अभी भी लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स सोल्ड आउट। तो अब इनसे मेरा सवाल ये है एक्सपार्क वालों से कि यार भाई मेरे या बहन जो भी है, आपने इसको स्टॉक में कब लाया? तो बहुत से कॉमेंट्स जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताए हैं भाई, हाँ बिल्कुल वो ठीक है, और सबको ही नहीं मिला। कोई एक इंसान जिसने आके ये बोला कि यार एक्सपार्क से मैंने मोबाइल जो है वो ऑर्डर किया है, तो चलो फिर भी मानने वाली बात थी, लेकिन मज़े की बात ये हुई है कि एक ने भी ऑर्डर नहीं किया वहाँ से। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक ही नहीं आया, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। तो अब हम लोग वेट करते रहे 11 to 1 PM, मैंने तो 1:30 बजे तक भी देखा कि यार होप्स हो ये स्टॉक में आ जाए, लेकिन नहीं आया स्टॉक में। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टॉक में डाला ही नहीं, हमें इन्होंने लाल झंडी दिखाई। और यहाँ पे तो जस्ट इन्होंने मैं जस्ट एक दिखावे के लिए कि मोबाइल हमारा यहाँ पर नया आया हुआ है, तो भाई ये सीन है। उसके बाद मैं डायरेक्टली मार्केट चला गया, वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें रिटेलर्स और होलसेलर से मैंने कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की, और उनसे ज़्यादा तो उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने जो बताया वो आपसे शेयर करता हूँ। और ऑनलाइन का ये जो इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, ये भी सीन आई डोंट नो यार क्या ये लोग हमारे साथ पार्ट लगा रहे हैं। तो ऑनलाइन सर्च भी की, तो ऑफलाइन सर्च भी की। ऑफलाइन मतलब मार्केट गया, मार्केट वालों से जो यहाँ पे हमारे बड़े मोबाइल वाले हैं होलसेलर या फिर रिटेलर, उनसे मैंने बात की कि उन्होंने बोला यार ये सीन हो रहे हैं, उन्हें सारी बात समझाई कि इस तरह से बात हो रही है। तो खैर अल्लाह भला करे, उन्होंने जो मुझे अच्छी तरह एक रिप्लाई किया, उन्होंने बोला यार देखो होता ऐसा है कि कंपनी जो होती है ना वो खुद ही मोबाइल्स अपने जो है वो आउट करती है, और फिर खुद ही अपने जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें बोलती है कि यार ये सेल करो हैवी प्राइस में ताकि हाइप बन सके का हमारे मोबाइल की। सेम स्ट्रेटेजी सेम फार्मूला उन्होंने यहाँ भी अपनाया है, और ये पहली बार नहीं है जो ये लोग अपना रहे हैं, इससे पहले भी ये लोग ऐसे करते रहे हैं, और पहले थोड़े कम प्राइस टैग में करते हैं, लेकिन अभी जो है ये कुछ ज़्यादा ही अबव जाने लग गया है। लाइक 80,000 rupees का मोबाइल मिल रहा है, 85 का मिल रहा है, यार हद है, 61,000 का मोबाइल 85,000 में मिल रहा है, कौन खरीदेगा? मेरा तो आपको यही मशवरा है यार, छोड़ दो मोबाइल को, ना खरीदो ना, क्या होगा, मर तो नहीं जाओगे, आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, जब खरीदोगे नहीं तो जारी से बात है रिटेल हो या कंपनी हो बिल्कुल फ्लैट सीधे हो जाएंगे, क्योंकि आवाम की जो पावर होती है ना वो यही होती है। होंडा या टोयोटा का मैंने सुना था पिछले दिनों के 2023 मॉडल जो उनका गाड़ी आया था वो बिक ही नहीं रहा, तो उन्होंने प्राइसें थोड़ी सी रिड्यूस की हैं। क्यों? क्योंकि यार सेल ही नहीं हो रही थी उनकी वहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी है यार कि इन्होंने भी सीन पकड़े हुए हैं, ओवर प्राइजिंग को सपोर्ट कर रही है कंपनी यार। हो अब देखो, अगर एक बंदा ओवर प्राइजिंग सेल आउट कर रहा है, ठीक है, पहले तो अगर कंपनी को ये बात पता है, क्यों? क्योंकि यार मार्केट में तो जारी से बात उनके बंदे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये रिटेलर है इस लोकेशन पर है और इतने का ये सेल आउट करें, पर कंपनी नहीं पकड़ रही भाई। कंपनी का काम है कि वो केस कर सकती है, उनका एक लीगल नोटिस जा सकता है कि यार आप हमारी कंपनी की प्रोडक्ट बेच रहे हो और इतने प्राइस में ब्लैक में बेच रहे हो। हालांकि सबको पता है यार कि कौन सा बंदा कहाँ बैठा हुआ कितने का बेच रहा है और क्यों बेच रहा है, लेकिन नहीं भाई कंपनी ने कुछ भी नहीं करना। हालांकि कंपनी केस कर सकती है उस रिटेलर पे, उस होलसेलर पे जिन्होंने इनसे मोबाइल ख़रीदे होते हैं, उन्हें लीगल नोटिस भेज सकती है यार कि तुम ब्लैक मिस्टर से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना बेच रहे हो, हमारा जो ब्रांड अवेयरनेस है वो ख़राब कर रहे हो, हमारा नाम ख़राब कर रहे हो। तो लेकिन नहीं भाई कोई सीन ही नहीं है, अब से ना लोग जो हैं ज़रा सयाने हो गए हैं और ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि यार हमें ये चीज़ प्रोडक्ट है नहीं ख़रीदनी। मैं तो यही बोलूँगा कि यार ट्विटर पे ट्रेंड मार दो बॉयकॉट इन्फिनिक्स नोट 30 या नोट 30 प्रो, क्योंकि ओवर प्राइजिंग आ रही है। टेक्नो कैमन 20 अभी न्यू लॉन्च हुआ है वो भी ओवर प्राइजिंग में आ रहा है। स्पार्क सीरीज़ आई है टेक्नो की वो भी ओवर जा रही है, जो कि आईफोन की लुकअप की शेप है वो भी ओवर जा रही है। यार 1-2 हज़ार कि तो चलो बंदा ऊपर नीचे कर ही लेता है, लेकिन यार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मोबाइल जो है वो महंगे बेच रहे हैं ना यार, 20-20 हज़ार रुपये, यार इन्हें 2,000 भी ऊपर नहीं करना चाहिए। जो एक फिक्स प्राइस कंपनी ने बेच दी, इनलिस्ट कर दी, 61,000 रुपये का है
तो 61,000 रुपये का है। 61 का भी नहीं है, 60,999 रुपीज का है, तो 60,999 रुपीज का ही थे। वो 1 रुपया जो बचता है वो भी वापस करें। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कंपनी ने लेस किया हुआ है ना, उन्होंने कोई सीन तो नहीं ऊपर चलाए हुए, ऊपर नीचे किए हुए ना। अगर कंपनी ये ना चाहे तो नहीं हो सकता ऐसा कि आप ब्लैक में मोबाइल सरेआम इस बेचते फिर। और जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डील करते हैं होलसेलर्स को डील करते हैं, उन्हें भी पता होता है कि भाई वो खुद ही इवन बोल रहे होते हैं यार कोई नहीं चला, पाकिस्तान है चलता है यार, बेच इसको जितना महंगा कर सकते हो बेचो, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान थोड़े बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो खैर यहाँ पे तो मैं उस साइड नहीं जाना चाह रहा, तो यही सीन हो रहे हैं भाई। तो कम से कम एक साइड से तो यार हम मतलब ब्रेक लगा सकते हैं, तो वो यही चीज़ है कि यार कम से कम हम लोग ओवर प्राइसिंग को सपोर्ट ना करें, कम से कम वो चीज़ ना ख़रीदें। ठीक है आपको पसंद है आप ख़रीदो, लेकिन अगर ओवर प्राइस मिल रही है तो ना ख़रीदो। कम से कम 2 माह सब्र कर लो, 1 महीना सब्र कर लो, जब तक प्राइस उसकी रिड्यूस नहीं होती तब तक सब्र कर लो यार। क्यों? क्योंकि यार ये सबक है उन लोगों के लिए कि वो लोग हम लोगों को मतलब क्या समझ रहे हैं, जिसको जहाँ जहाँ मिल रहा है वो अवाम को लूटे जा रहा है, और हम हुक्मरानों की बातें कर रहे हैं कि यार ये हमें ऐसा मिल गया वो हमें ऐसा मिल गया। फ़र्क उनमें नहीं है, हम में है, क्योंकि यार एक तो हम प्राइस ऊपर बढ़ा देते हैं तो ख़रीदने वाले भी आते हैं, ठीक है भाई दो चीज़ अवेलेबल करो, जानों में जाए पैसे। अब आपके पास पैसे हैं, लाजमी नहीं है कि दूसरा बंदा जिसने ये मोबाइल ख़रीदना उसके पास इतने, उसने अपने मेहनतों से मेहनत के पैसे जोड़े हुए होंगे कि यार किसी तरह ये मोबाइल मैं लूँगा, और मार्केट वो जाता है 60,000 या 70,000 रुपये लेके, तो आगे पता चलता है 80,000 रुपये का है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि यार हमारे पास हराम के पैसे नहीं है। एक तो हमारा जो कंट्री है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट केस पे खड़ा हुआ है, ऊपर से टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। कंपनी को चाहिए यार कि कंपनी जो है वो इसको देखे, क्योंकि लोगों को अब इस चीज़ पे ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों पे गुस्सा आया हुआ है, तो ये ना हो कि इन्फिनिक्स को बैन ना करना पड़ जाए। मैं नहीं, अवाम ख़रीदना ही छोड़ दे। खैर अवाम ख़रीदना तो नहीं छोड़ेगी, मैं एक अवेयरनेस क्रिएट ज़रूर कर रहा हूँ इनके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं ख़रीदेगा। इंडिया में मैं इसकी प्राइस चेक कर रहा था यार, 19,990 रुपये का आ रहा है, तो हद मार के चलो 20 का हो जाएगा यार, 21 का, चलो 22 का हो जाना है यार, 22,000 रुपये का इंडिया में हद मार के होना है, और पाकिस्तान में 61,000 रुपये का मिल रहा है। एक चीज़ 61 की जो पाकिस्तान में आ रही है वो 80,000 रुपये का बिक रहा है, 85 का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों बिक रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ इसमें बताना चाहिए। खैर कंपनी का काम है और हम आवाम का भी काम है कि यार हम कम से कम प्रोडक्ट ना ख़रीदें, ताकि कंपनी जो है अपनी प्राइसिंग जो ओवर जा रही है उसको कंट्रोल कर सके, और ओवर माफिया जो है उन लोगों को कंट्रोल करें। तो होप सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।